Hello everyone, this is the subject science, and chapter number 1 food. Where does it come from? Food jo hai kahan se aata hai? What did you eat at home today? Aaj aapne kya khaya ghar pe? Find out what your friend ate today. Aur aapke friend ne kya khaya pata kijiye. Did you eat the same kind of food yesterday? Kya जो आपने कल खाया था और जो आज खाया है वो सेम है? जो खाना आपने कल खाया और जो आज खाया है वो क्या सेम है? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने जो कल खाया था और जो आज खाया है क्या सेम है? We all eat different kind of food, eat different type of food variety. अब हम लोग रीड करने वाले हैं फूड वेराइटी. नाउ आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे. अपने फ्रेंड से पता कीजिए स्कूल्स में कि उसने क्या खाया है दिन में. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और अपने अलग अलग जो स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में फ्रेंड्स रहते हैं उनसे भी ये पता कीजिए कि उन्होंने क्या खाया है. लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक. और अपने नोटबुक में एक लिस्ट तैयार कीजिए जैसे टेबल 1.1 में दिखाया गया है, फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल. और अपने जितने भी पॉसिबल हो सके फ्रेंड से पता कीजिए. और ये जो लिस्ट तैयार किया गया है टेबल 1.1, वैसे ही आपको टेबल तैयार करना है और अपने फ्रेंड से, स्कूल फ्रेंड से और आपके जो भी स्टेट्स में फ्रेंड्स होंगे उनसे पता कीजिए. और नेम ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे. और फूड आइटम जो भी आप उसने खाया है, ईट किया है डे में, उस आइटम को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. देयर seem to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.5. What are these food item made of? तो आप फ्रेंड से अगर पता किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसने अलग अलग डेट में, अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ खाया है और सारे फ्रेंड्स ने अलग अलग फूड खाया है. There seem to be so much varieties of food that we eat. What are these food item made of? और वो किस किस चीज़ से बना हुआ है? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. और अगर हम अगर सोचें राइस बनाने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है? घर पे राइस बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? राइस एंड बॉयल्ड रॉ राइस चाहिए होगा और बॉयल्ड करने के लिए वाटर चाहिएगा. दो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, जस्ट टू मटेरियल, दो मटेरियल चाहिए. और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस. और बॉयल्ड राइस, राइस को बॉयल करने के लिए. ऑन द अदर हैंड, और दूसरे जगह, सम फूड आइटम आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स. मेनी इंग्रेडिएंट्स चाहिए. अगर मान लीजिए आप अगर वेजिटेबल बनाते हैं तो क्या चाहिए होगा? प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी. वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. तो इतने सारे आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बट राइस बनाने के लिए दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए. ओके, नाउ एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम. Now, activity 2. Choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredient are used to prepare these by discussing what your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some example are given in here and add some more item to these. अपने दोस्तों से पता कीजिए कि जो ingredient आपने खाया था उनमें कैसे बना हुआ था, किन किन इंग्रेडिएंट्स से बनके मिलके बना हुआ था. और उसको एक लिस्ट तैयार कीजिए जैसे 1.2 में तैयार किया गया है. इस तरह से 1.2 फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट. कैसे फूड आइटम, एक राइस बना तो राइस किन किस चीज़ों से बना? रॉ राइस लिए और बॉयल करने के लिए वाटर लिया. तो ये दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए था.
तो इसी तरह से अगर रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो क्या चाहिए होता है? इंग्रेडिएंट्स चाहिए आटा और वाटर। तो आटा और वाटर मिला के तभी तो आपकी चपाती बनती है। दाल, दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? पल्सेस, वाटर, साल्ट एंड घी, स्पाइसेस। तो इन सब चीज़ों को आप मिलाते हैं तब तो आपको दाल मिलता है। तो इस तरह से आपको पता करना है अपने फ्रेंड से, अपने छोटे भाइयों से, और इस तरह से आपको टेबल एक रेडी करना है। वी रीड इन नेक्स्ट क्लास फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो भी आप फूड मिल रहा है आपको, वो किस तरह से मिल रहा है और ये सोर्सेज क्या हैं, मटेरियल्स क्या हैं, कहाँ से ये जो फूड आइटम है मिलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।